देखिए हंसते हंसते सब बात करते हैं, और इसीलिए नीतीश बाबू दो मौका छूट गया। एक बार केसीआर आया था तो सोचे थे मुझे नेता बना के लेगा, वो अपने दूल्हा बन के आ गए डीएम का। इस बार सोच रहे थे संयोजक हो जाएगा। लालू जी ने हंसते हंसते राहुल गांधी का नाम कहा, और जब तक राहुल गांधी लालू जी हैं तब तक दूसरा कहाँ कोई उस पर दूल्हा बन गया। जदयू सीएम को बार बार पीएम का उम्मीदवार मानती है, दूल्हा लालू जी तय कर दिए, तो क्या लगता है दूल्हे की दलदल से बिहार की सियासत उबर पाएगी क्या? दूल्हे की दंगल लगा था, कोई मिल नहीं पाया, और 24 में प्राइम मिनिस्टर का पद जनता के नजर में खाली। मोदी केजरीवाल भी दूल्हा से काफी नाराज दिखे। अरे भाई उसमें खाली दूल्हे है ना, दूल्हे का दंगल था, फोटो सेशन था, और कुछ नहीं। दीदी अलग हट गई उसमें से। मैं पहले भी कहा, मान लिया जाए ये सब लोग लालू जी को दूल्हा मान, राहुल जी को मान, नीतीश जी को मान, कोई मानने वाला तो लेकिन नीतीश जी बंगाल जाके क्या करेंगे? ममता जी का क्या भी बना देंगे? अब ममता जी बिहार में आके नीतीश कुमार को क्या कर देंगे? फारूक अब्दुल्ला बिहार आके क्या कर देंगे? याद है मुझे कि मुलायम सिंह बिहार आए थे चले गए, लालू जी यूपी आए गए थे लौट आए, तो ये विसंगतियों से भरा हुआ था। हम तो सबसे लड़ते ही हैं। एक नीतीश जी इस बार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उसमें भी बेचारे कुमारे ही रह गए। ओवैसी को शामिल नहीं किया गया था इस बैठक में, पता नहीं ओवैसी किसके लिए बाधक था, मैं नहीं जानता।